बॉस सीजन 15 के इस वीकेंड के वार पर करण कुंद्रा की क्लास लेने वाले हैं सलमान खान। जी हां, करण तेजस्वी मामले पर करण कुंद्रा के खिलाफ बोलते नजर आएंगे सलमान खान। वेल क्या कुछ आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं करण कुंद्रा और तेजस्वी के मामले पर, क्या है पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल आपको बता दूं, बिग बॉस सीजन 15 के घर में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश दोनों जब टिकट फिनाले टास्क खेल रहे थे तो उस दौरान कुछ अनफेयर चीजें हुई थी जो कि राखी सावंत और देवोलीना ने किया था। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि किसी भी टास्क में अनफेयर चीजें हो या फिर अनफेयर डिसीजंस हो, बाकी कई बार भी ऐसा होते आया है। लेकिन जब करण कुंद्रा ने देखा कि तेजस्वी अब टिकट टू फिनाले उनसे पहले ले लेंगी तो करण कुंद्रा ने उस अनफेयर डिसीजन पर सवाल उठाया। जी हाँ, इसी बात को और इसी सवाल को पूछा सलमान खान ने वीकेंड के वार पर। उन्होंने पूछा कि आखिरकार आपने उस वक्त ही सवाल क्यों उठाया, हालांकि पहले भी अनफेयर डिसीजन हुए हैं, पहले आपने कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन आपको सच में ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि आपसे पहले आखिरकार तेजस्वी प्रकाश को मिल जाएगी टिकट टू फिनाले तो आपका क्या होगा। तो यहाँ पर करण कुंद्रा डिफेंड करते हुए, करण कुंद्रा जवाब देते हुए नजर आए कि देखिए मैं ऐसा नहीं चाहता था, बल्कि तेजस्वी ने खुद कहा था कि मैं फेयर तरीके से आगे जाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। जबकि यहाँ पर जब करण कुंद्रा ये चीज़ें बोल रहे थे तो राखी सावंत और देवोलीना दोनों ही हंस रही थी। हालांकि वहाँ पर तेजस्वी भी अपने हाथ खड़े कर रही थी कि तेजस्वी को भी कुछ बोलना था जो प्रोमो सामने आए हैं, लेकिन वहाँ पर उस प्रोमो में तेजस्वी के सवाल को सामने नहीं रखा गया। हालांकि आज के एपिसोड में, आज के वीकेंड के वार के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार तेजस्वी क्या सवाल पूछती है। लेकिन कहीं ना कहीं इन पूरे प्रोमो से ये साफ तौर पर देखा गया है कि करण तेजस्वी के मामले पर कहीं ना कहीं सलमान खान तेजस्वी प्रकाश का साथ देते हुए और करण कुंद्रा के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। वेल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और बिग बॉस से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।